हे गाइस, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे। मो तरफ समस्त को अभिनंदन और बहुत सारा शुभेच्छा। वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्ति दीप्ति अमेजिंग वर्ल्ड। आज टॉपिक हूँ आम गुणन प्रक्रिया और संपृक्त नियम विषय पढ़ा। प्रथम चल पढ़ा करे देला गुणन प्रक्रिया। तुम्हें जाणिछ पांच युक्त पांच को लेखा जाए पांच गुणन दुई। माने ता कहिबार अर्थ होची आम पांच को पांच रे मिसेबा जहाँ पांच को दुई रे गुणी देबा सेया। तो ये तीन टा पांच को मिसेया को आम लेखा जाए पांच गुणन तीन। चार टा पांच को पांच युक्त पांच युक्त पांच युक्त पांच को लेखा जाए पांच गुणन चार। अर्थात गोटे स्वाभाविक संख्या को सही संख्या सहित बारंबार जोग करने को गुणन मध्यम प्रकाश कराए। से तुम कौन जान लो गोटे स्वाभाविक संख्या को बारंबार जोग प्रक्रिया करने को कौन कराए गुणन मध्यम प्रकाश कराए बुझीला। तो पांच गुणन दुईर फल जानापी आम पांच युक्त पांच रोगफल कार्य करता ना नहीं। सहीपर पांच गुणन तीन फल जानापी आम तीन गोटे पांच को जोग करू पांच युक्त पांच करू। अर्थात पांच गुणन तीन अर्थ हूँ तीन गोटे पांच रोग तीन टा पांच रोग हूँ पांच गुणन तीन बुझीला। एणु साधारण भाव में आम कहू चार गुणन सात सामान सात थर चार मिसाइबा जहाँकि हूँ अठाईस बुझीला। गुणन को जोगरे परिणत कर दुईटी संख्यार गुणफल आम निर्णय करू। से ही गुणफल गुड़ी को गुणन खंदा लेखि से गुड़िक मन रखू। आम मन रखा गुणन खंदा गुड़ी को व्यवहार कर बड़ बड़ संख्यार गुणन करू। से कहला जे ए गुणन को जोगरे परिणत करके दुईटा संख्यार गुणफल आम निर्णय करू ताको आम बड़ मान गुणन खंदा लेखिकी ताको आम बड़ बड़ गुणन करू। आम जो पणिकियाटा पढ़ुचे जो मन रखुचे से ही है यार जोगरे परिणत करके आम पढ़ी मन रखुचे गुणन खंदा को बुझीला। तो तापर देखो एटे देला गुणन प्रक्रिया संपृक्त विभिन्न नियम। आम जमी जानते पूर्वर पढ़ते जोग प्रक्रिया और वियोग प्रक्रिया संपृक्त नियम विषय पढ़ते एटे सेमती गुणन प्रक्रिया संपृक्त नियम विषय आम पढ़ा। कर देला निम्न गुणन कार्य कर गुणफल निर्णय कर पांच गुणन सात के पांच सत्ता पैंतीस तो ये कत पैंतीस। आठ गुणन छ आठ गुणन छाला अठचाश तो ये हम अठचाश। बार गुणन न हूँ शहे आठ। चौदह गुणन बार जहाँ हूँ कि शहे अठसठ। तो ये जो गुणफल गुड़क पाइल ये जो पाइल पैंतीस अड़चाश शहे आठ शहे अड़सठ सब पाइल से गुड़क कि प्रकार संख्या से गुड़क गोटे गोटे स्वाभाविक संख्या। आम जानले दीटा स्वाभाविक संख्यार गुणफल गोटे स्वाभाविक संख्या। अर्थात गुणन प्रक्रिया समृद्धि नियम पालन करे। कौ नियम पालन करे समृद्धि नियम पालन करे बुझीला। तो खरे देला निजे करे देखो से कहला जेकोसी दीटा स्वाभाविक संख्या को तुम खातारे लेखे से गोटे संख्या को अन्य टिकु द्वितीय संख्या भाव नामित कर। मन कर तीन गुण है प्रथम संख्या आठ गुण है द्वितीय संख्या बुझीला। तो प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या द्वारा गुणी गुणफल निर्णय कर। तो प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या द्वारा गुणव एमती तीन गुणन आठ। से हीपरी द्वितीय संख्या को प्रथम संख्या द्वारा गुणी गुणफल निर्णय कर सेमती द्वितीय संख्या आठ गुणन तीन कर। एबे आउ एक जोड़ा स्वाभाविक संख्या नहीं से भले कार्य कर या पर देखा देख तीन गुणन आठ के चबीस आठ गुणन तीन चबीस सेम बाला ना नहीं। तो एथर कौन तुम जान लो आम क्रम बदल गुणन कले तार गुणफल सामान बाहर बुझीला। तो एथर आम कौ नियम बाहर ना दीटा को क्रम बदल जो आम गुणफल सेम बाहर बदल तो आम कह स्वाभाविक संख्यार गुणन प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करें बोली आम पढ़ी। क्रम बदल जोग कले कौन है जोग प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे यहाँ कौन बदलुनी आम चबीस चबीस बाहर ना ना तो यहाँ गोटे कौन गुणन प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे बुझीला। तो सेमती तुम आउ दीटा नहीं पार धर मुझे चार छ चार छुले चबीस छ आ चार गुणले चबीस तो यहाँ बदललानी। तो आम एथर जानले जोग सरी गुणन प्रक्रिया आम क्रम विनिमय नियम पालन कै समृद्धि नियम पालन कै क्रम विनिमय नियम पालन कै। तापर देला तले संपादन कर कार्य को लक्ष्य कर। तीन गोटी पाछियारे चार गोटी लेखाएं बल अच्छी ये चार गोटी लेखाएं बल अच्छी सब बल गुड़ी को कौ ना चिन्हित कर ख ग घ नाम चिन्हित कर। तले चारोटी पाछिया रही चार्टा पाछिया रही ऊपर समस्त पाछियारू क चिन्हित बल गुड़ी को आनी तले प्रथम पाछियारे रख ये गोटे क
ଏଠି ଗୋଟେ କ, ଏଠି ଗୋଟେ କ ଆଣିକି ରଖିବ ଏଠି। ସେମିତି ଖ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବ, ଗ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବ, ଘ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବ। ତ ଦେଖିବ ଟୋଟାଲ ଆମର ପାଛରେ କେତେଟା ହେଲା, କ ତିନିଟା, ଖ ତିନିଟା, ଗ ତିନିଟା, ଘ ତିନିଟା। ତ ଆମର କେତେଟା, ବାରଟା ହେଲା। ଆମେ ସେଟାକୁ ଗଣିକି କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା, ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି, ପାଛିଆ ସଂଖ୍ୟା ତିନି, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଉପରେ ଅଛି ତ ସେଟା କେତେ, ବାର। ତଳ କଣ ହେଲା, ପାଛିଆ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି, ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଟିରେ ତିନି, ତ ତିନି ଗୁଣ ଚାରି ସେମାନେ ବାର। ତ ଏଥିରୁ କଣ ଦେଖିଲା ଆମେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ବାର ବଲ୍ଟି ଅଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ପାଛିଆରେ ସେତିକି ବଲ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଠି କୋଉ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। କଥାଟିଏ ଶୁଣ, ରାଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ପେଡି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ପେଡିଟେ ଚୋରି ହେଲା। ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ରାଜାଙ୍କୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ଦେଲେ ଓ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପେଡିରେ ଥିବା ସୁନା ମୋହରର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦେଲେ। ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ କହିଲେ ପେଡିଟିରେ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଥାକ, କେତେଟା ଥାକ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟି ଥାକ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାକରେ ଚାରୋଟି ଫରୁଆ ଥିଲା, ପ୍ରତି ଫରୁଆରେ ତିନୋଟି ମୋହର ଥିଲା। ଦେଖ ହେଲା ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ହେଲା, ପେଡିଟିରେ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ଥାକ, ପ୍ରତି ଥାକରେ ଥିଲା ଚାରିଟା ଫରୁଆ, ଚାରିଟା ଫରୁଆର ପ୍ରତି ଫରୁଆରେ ଥିଲା ତିନିଟା ମୋହର। ତ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ କଲେ କେମିତି, ରାଜା ହିସାବ କଲେ କେମିତି, ଚାଲ ପଢିବା। ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ ଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତିନି, ସେ ବାହାର କଲେ ଆଗ ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରତି ଫରୁଆରେ ତିନିଟା ଅଛି, ତ ପ୍ରତି ଫରୁଆ ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ ତେବେ କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା। ଏଣୁ ଚାରୋଟି ଫରୁଆରେ ଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ବାର। ସେ ଆଗ ଗୋଟେ ଥାକର ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାକରେ ଚାରୋଟି ଫରୁଆ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଥାକରେ କେତେ ଅଛି, ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ହଉଛି ବାର। ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଥାକରେ ଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ବାର। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ଥାକରେ ଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ବାର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଷାଠିଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଣୁ ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା, ତିନି ଗୁଣନ ଚାରିକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେବା, ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବା, ଯାହାକି ହଉଛି ତିନି ଚଉ ବାର, ବାର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଷାଠିଏ। ରାଜା କେମିତି ହିସାବ କଲେ, ନା ଗୋଟେ ଥାକରେ ଫରୁଆ ଥିଲା ସମାନ ଚାରି, ସେ ଆଗ ହିସାବ କଲେ ଫରୁଆ କେତେଟା ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟି ଥାକରେ ଥିବା ଫରୁଆ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଥାକରେ ଥିବା କେତେଟା ଫରୁଆ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥାକରେ ଯେ ଚାରିଟା ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଥାକରେ ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଯାହା ହଉଛି କୋଡ଼ିଏ। ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ ଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତିନି, ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ କେତେଟା ଅଛି ମୋହର, ତିନି, ତ କୋଡ଼ିଏଟି ଫରୁଆରେ ମୋହର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତିନି ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ, ଯାହାକି ହଉଛି ଷାଠିଏ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଗୁଣନ ତିନି ଲେଖିଲେ, କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ଷାଠିଏ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୁଣନ କଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୁଣନ କଲେ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିସାବରୁ ମିଳିଥିବା ଚୋରି ଯାଇଥିବା ମୋହର ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି, ୟାଙ୍କର ବି ସେଇ ଷାଠିଏଟା ବାହାରିଲା, ୟାଙ୍କର ବି ସେଇ ଷାଠିଏଟା ବାହାରିଲା, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି। ମାତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିନ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସମାନ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଯାହା ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସେଇବା, ବୁଝିହେଲା। ତା କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଗପଟିକୁ ଦେଖେଇକି ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି, ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିକି ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣିବା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଖିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟକୁ ଗୁଣିକି ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣିବା ସେଇଆ, ବୁଝିହେଲା। ସେ କହିଲା ତୁମେ ନିଜେ କର, ଏଠି ତିନିଟା ଦେଇଦେଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ତମେ ୟାକୁ ନିଜେ କର। ସେ ଆଗ କଣ କଲା ନା ଧର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଲା, ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଗୁଣିଲା ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଗୁଣିଲା, ଏଠି କଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟକୁ ଗୁଣିଲା ତାପରେ ପ୍ରଥମରେ ଗୁଣିଲା, ଏଠି କଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟକୁ ଗୁଣିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଲା। ଦେଖ ଏଠି ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ବାର, ବାର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଷାଠିଏ, ଏଠି ସେମିତି ତିନିକୁ ରଖିଲି, ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, ତିନି ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ ସମାନ ଷାଠିଏ, ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଷାଠିଏ, ୟାର ଉତ୍ତର ସବୁ ସେମ୍ ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣନର ଗୁଣଫଳକୁ ଦେଖି କଣ ଜାଣିଲ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ସମାନ ବାହାରିଲା। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ତିନୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ଗୁଣଫଳ ସହ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବା। ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମକୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତିନୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ସେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳକୁ ତୃତୀୟ ସହ ଗୁଣନ କରିବା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତା ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ମୁହଁରେ କଣ ଦେଲା, ମୁଁ ଲୁଚିଗଲି ତମ ଭିତରେ,
तुम्हें जेकोसी गोटे स्वाभाविक संख्या भाव मनेकर मु भाविली चार बुझीला मुझे भाविली चार चार भाविली तापर कहला भावी संख्या को एक द्वारा गुणन कर आम भावी संख्या को एक द्वारा गुणन करवा के चार गुणन एक चार निजे भावी संख्या और एक को गुणन कला मिली संख्या को गुणफल को कलापट लेख आम लिखते आम लिखते संख्या भावी चार गुणफल भी बाहर चार जो संख्या सह एक को गुणन कल से संख्या और गुणफल को देख तर संपर्क देख कौन लक्ष्य कल आम लक्ष्य कलु चार चार बाहर सामान बाहर आउ गोटे संख्या नहीं से एक गुणी गुणफल निर्णय कर कौन देखु से कहले आउ गोटे संख्या नियो तेरे एक गुण एमती कर कौन देखु तो आम कौन जान लें से संख्या ही बाहर आम एक को जो थे गुणवा से संख्या ही बाहर तो सी ये कहला मु लुचिगली तुम भितर एक लुचिगला तो यहाँ हूँ गुणन अभेद नियम जेकोसी स्वाभाविक संख्या गुणन एक सामान एक गुणन से ही संख्या सामान से ही संख्या एक हूँ गुणनात्मक अभेद तो तापर देख गुणन जोग संप्रक्त नियम प्रथम परिस्थिति रे कौन देला पूजा और रिपुन उभयंकर आज जन्मदिन पूजार बयस है बार रिपुन रयस है आठ से मानक चॉकलेट दिया प्रत्येक को ता बयसर चार गुण संख्यक चॉकलेट दिया प्रत्येक केतोटी लेखाएं चॉकलेट पाइबे मोटे से केते गोटी चॉकलेट दिया बुझीला ये गोटे पार्टीटे भाया हूँ तो आज पूजा और रिपुन जन्मदिन पूजार बयस हूँ बार रिपुन बयस हूँ आठ से मानक चॉकलेट दिया सब जो ठिया होती चॉकलेट दिया प्रत्येक को ता बयसर चार गुण संख्यक चॉकलेट दिया तो प्रत्येक केतोटी लेखाएं चॉकलेट पाइबे तो चलो देखा पूजा पाई चॉकलेट संख्या समान पूजा के चॉकलेट पाइव बार बयस गुण चार तो बार गुण चार समान अड़चाश रिपुन पाई चॉकलेट संख्या के आठ गुणन चार समान बतीस तो उभय को दिखाई चॉकलेट के अड़चाश युक्त बतीस समान अशी यही हिसाब को निम्न मते मध्य करा जाई पारे से कौन कला बार युक्त आठ ता बयस मिसेदेला फास्ट बार आठ को मिसेदेला ताको कौन कला ना चार गुणीदेला जहाँ कहे कोड़े बार युक्त आठ है कोड़े गुणन चार समान अशी एणु आम देखिले बार गुणन चार युक्त आठ गुणन चार समान बार युक्त आठ ब्राकेट दिया गुणन चार से देख ये गोटे खातार लक्ष्य कर युक्त आठ गुणन चार जहा बार को आम चार गुणवा युक्त चिन्ह देवा आठ को आम चार गुणवा देख बार गुणन चार युक्त चिन्ह दिहला आठ गुणन चार से बुझीला भलसे से कहला तो तापर देख द्वितीय परिस्थिति कौन अच्छे जड़े कर्मचारी प्रत्येक दिन मध्यान भोजन लगे कोड़े टंका और चा खाइबा लगी पांच टंका पाती से चार दिन लगे मध्यान भोजन और चा खाइबा मोट के पाइबे देखो ये प्रथम प्रकार हिसाब के द्वितीय प्रकार हिसाब कर मध्यान भोजन और चा खाइबा लगे एक दिन प्राप्य सामान मान गोटे दिन खर्च हुए सामान कोड़े युक्त पांच टंका जहाँ कह पचीस टाँह से लिखनी कोड़े युक्त पांच लिखी मध्यान भोजन और चा खाइबा लगे चार दिन प्राप्य सामान कोड़े गुणुक्त पांच एम ब्राकेट रखा गुणन चार कोड़े युक्त पांच के पचीस गुणन चार सामान शहे बुझीला शहे टाँह से तेज चार दिन आणुव द्वितीय प्रकार हिसाब के मध्यान भोजन पाई चार दिन प्राप्य सामान कोड़े गुणन चार चा खाइबा चार दिन प्राप्य सामान पांच गुणन चार टाँह चार दिन लगे मध्यान भोजन और चा खाइबा बाबत को मोट प्राप्य सामान कोड़े गुणन चार युक्त पांच गुणन चार देखिए कोड़े गुणन चार अशी पांच गुणन चार कोड़े तो शहे टाँह तेणु आम ए देखिले यही गोटाक सामान यहीटा एमती गुणवा गुणले जहाँ पाइबा आम एमती गुणले से पाइबा एपरी अन्य दुईटी परिस्थिति तुम्हें लेख आवश्यक पड़े सांगसाथी पिला शिक्षक नहीं लेख तुम एमती परिस्थिति नहीं लिखिपार बुझेगा
आमे देखिले तीनोटी स्वाभाविक संख्या मध्यरु प्रथम और द्वितीयर जोगफल को तृतीय संख्या सह गुणन कले जेउं फल मिलिबो प्रथम को तृतीय सह द्वितीय को तृतीय सह भिन्न भिन्न भाबरे गुणन करी गुणफल दुईटी को जोग कले मध्य समान फल पाइबो। से कहला जे आमे प्रथम द्वितीय संख्यार जोगफल को आमे प्रथम और द्वितीय संख्यार जोगफल को तृतीय संख्यार गुणीबा जहां बाहरबो आमे प्रथम आउ तृतीय सह गुणी द्वितीय आउ तृतीय सह गुणी तार जोगफल मध्य से समान बाहर गुणन और जोग संपत्ति उपरोक्त नियम को जोग उपर गुणन बंटन नियम बोली कहुए से गुणन बंटन रही उदाहरण देखा देला आर सत्यता के परीक्षा कर ना मुझे खातिर कर दूसरी तुम देख दे आठ फेड़ पांच ब्राकेट रहा गुणन चार तो कह आठ पांच हेल्ले गुणन चार जहाँकि हूँ बार बुझीगला एटी कौन रहा आठ गुणन चार फेड़ पांच गुणन चार आठ चौ बतीस बतीस फेड़ कोड़े जहाँकि हूँ बार ये कौन है उत्तर भी से बाहर बार बार बाहर ना नहीं तो ये कौन हूँ वियोग गुणन बंटन नियम हूँ बुझीगला। जदि आपको मो वीडियो पसंद आसे तो मो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने को भूलु ना आ मो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करनी भिड देखापी थैंक यू।